सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Relax, relax, relax. Relax! बोल। बोल तो क्यों डॉक्टर? लता की हत्या करने अस्पताल गया था, बता। मैं कुछ नहीं बताऊंगा इंस्पेक्टर, तब मेरा स्वास्थ्य ही बिगाड़ सकते हैं। Why are you behaving like a madman? I'm asking you something. क्यों? Challenge to me? बोल। पता ही क्या? ये कानून का वो फंदा है जिसकी गिरफ्त में आते ही बड़ी बड़ी चट्टाने बोल जाती है, तो हु आर यू मैन? हु आर यू? बोल। हॉस्पिटल में तुम गए थे, क्यों मारना चाहते थे तुम? टेल मी व्हाई यू वांट टू कम? टेल मी, टेल मी, टेल मी। बताता हूँ। मैंने ये सब कलन भाई के कहने पर किया था। उनका हुक्म था कि किसी भी तरह इस मैडम को खलास कर दो। कौन है रे तू? क्या मांगता है तेरे को? अस्सलामुअलैकुम कलम भाई, मैं असलम। हाँ तो सुपारी देने आया भाई आपको। तू सुपारी देने आया मेरे को? किसको टपकाने का है तेरे को? भाई वो आजकल एक बहुत देर शाना पुलिस ऑफिसर है ना भाई, बहुत शाना बनता है, उसका नाम इंस्पेक्टर विजय भाई, उसको टपका डालना ना भाई प्लीज। इंस्पेक्टर विजय को टपकाना है तेरे को मालूम वो कितना रिस्की इंस्पेक्टर है? भाई मुंह मांगी रकम दूंगा ना भाई, क्यों बोलते हो? अबे जब मुंह ही नहीं रहेगा तो रकम का क्या करूंगा? तू जा, एक काम कर, कोई दूसरा घर ढूंढ, चल जा 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 यहां से। पता नहीं क्यों भाई मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं भाई, बुरा नहीं मानना भाई, मैं छोटा भाई हूँ आपका। क्या लगता है? अगर आपने इंस्पेक्टर विजय को नहीं मारा तो पता नहीं क्यों आपको मार डालेगा भाई। कलन भाई, हाँ पांडू पकड़ा गया और उसने इंस्पेक्टर विजय को सब कुछ बता दिया है। अपन ये छह की छह गोलियां तेरे सीने में दाग देगा, समझ गया तू? कल्लन भाई क्यों 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 नाराज हो रहे हो? इंस्पेक्टर विजय है ये, ये जब तुम्हारे घर में आ सकता है तो तुम्हारे इस रिवॉल्वर की ये गोली निकाल भी सकता है। इंस्पेक्टर विजय नाम है मेरा। जाड़े शरीर के साथ साथ तुम्हारा भेजा भी जाड़ा। अभी तो तुमने बोला भेजा भी जाड़ा हो गया। नहीं नहीं मारेंगे। अब सही सही बताओ, ये ऊपर से मारूंगा, सही सही बताओ कि तुम डॉक्टर लता को क्यों मारने गए थे? वो अपन के लड़कों को मर्डर करते हुए देख लिया था डॉक्टर लता ने। किसकी सुपारी थी वो? एक छोकरे की, उसका फोटो है अपन के पास, दिखाता है तो। रुको रुको, ये लड़का है। किसने सुपारी दी थी? पता नहीं अपन को, बिल्कुल पता नहीं अपन को। बाप अपन की सिर्फ फोन पर बात हुई थी, अपन के कहे हुए पते पर उसने पैसा और फोन पहुंचाया था। निखिल, चौधरी 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 चौधरी, मिस्त्री सर, कमरे की तलाशी पूरी अच्छी तरह से ले लो,
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहां पर कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर, यहां पर एक सूटकेस है जिसका लॉक टूटा हुआ है। गरे? लगता है किसी ने खोलने की कोशिश की है। हमारे पहले भी यहां कोई आया था, इसे शायद किसी इंपॉर्टेंट चीज की तलाश थी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी सर? इसलिए शायद ऐसी कोई चीज, शायद ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से निखिल की जान गई है, जिसकी वजह से निखिल की जान गई है। मिस्त्री 6322905 6322905। हेलो डॉक्टर अश्विनी हियर। इसका मतलब डॉक्टर अश्विनी निखिल को जानते? ये नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता। ओके okay. ठीक है लता जी, आप देखिए, आप इसे जरूर जानती होंगी। देखिए ना इसे, आपने इसे आखिरी बार देखा, इसकी हत्या होते हुए देखा था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। जानती नहीं कि आप क्या बोल रही। अब जानती हैं आप पर जितने भी जानलेवा हमले हुए उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था जो सुपारी किलर ने मुझे बताया था, जिसने आपकी मारने वाले की हत्या की थी। क्योंकि आप ही वाहिद चश्मदीद गवाह थी निखिल की हत्या की। यू नो दैट? वो झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। ओके ठीक है, आप सच बोल रही हैं और वो झूठ बोल रहा है। आई ट्रस्ट यू। लता जी एक बात बताएं, अभी हम आपको एक नंबर बोलेंगे, आप प्लीज ये मत कहिएगा कि आप उस नंबर को नहीं जानती। 6329055। जी हाँ, ये मेरे स्टडी का नंबर है। Got it. अच्छा अश्विन, जानते हैं नंबर मुझे कहां से मिला? अभी थोड़ी देर पहले मैं मिस्टर निखिल के घर गया था, उनके घर में एक किताब रखी हुई थी, वहां पे नंबर था। मैंने आपको ब्लैंक कॉल भी किया था शायद, इफ यू रिमेम्बर। तो क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? साबित कुछ नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बस यही जानना चाहता हूं कि आप जिस इंसान को जानते नहीं, जैसा आप दोनों का कहना है, आपके स्टडी रूम का नंबर उसके घर की किताब में कैसे लिखा हुआ था? प्लीज टेल मी। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है वो एक मरीज हो, किसी बीमारी का शिकार हो, किसी ने उसे ये नंबर दिया हो हमसे कंसल्ट करने के लिए। एग्जैक्टली यस। आप लोगों की कमाल की जुगलबंदी है, एक वक्त एक ही जैसा बोलते हैं। लता जी आप डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम का नंबर एक डॉक्टर देता है अपने पेशेंट्स को, ना कि अपने स्टडी रूम का। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज, आप फालतू की बातें करके हमारा और अपना दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। हमारा नंबर कोई भी कहां भी किसी भी वक्त लिख सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है बताइए। और वैसे भी हमें अपने नर्सिंग होम जाना है, अगर अब भी कोई सवाल बाकी हो तो फिर कभी आइएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। हाय
हेलो डॉक्टर लता है? ठीक है, कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, टिकट्स कंफर्म है। वेरी नाइस, आप टिकट्स हमारे घर पर भेज दीजिए। थैंक यू। आप दोनों कहीं जा रहे हैं? जी हाँ, बेंगलोर जा रहे हैं अपने फार्म हाउस पर। इस हादसे ने हमें इतना परेशान कर दिया कि हम दिमागी तौर पर हिल गए। कुछ दिन आराम करना चाहते हैं, ठीक है? माफी चाहूंगा मिस्टर अश्विन, आई एम वेरी सॉरी बोथ ऑफ यू। आप लोग ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा हमारे फार्म हाउस का एड्रेस, आप जब चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रहा सवाल हमारे जाने का, तो आप हमें रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया और ना ही हम जमानत पर रिहा हुए कोई मुजरिम है। एंड थैंक यू वेरी मच मेरी जान बचाने के लिए। कैसी बात कर रही हैं आप लता जी, आपकी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, अब ये क्यों भूल रही हैं कि हम रक्षक हैं? तो आप मुझे मेरा फर्ज निभाने दीजिए। माय पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर मी। ओह आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। खैर मैं चलता हूँ अश्विनी जी, दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार। चलिए मिस्त्री, इसमें है मेडिकल कॉलेज का ग्रुप फोटोग्राफ। सर इसका मतलब यह है कि लता और अश्विनी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि वो निखिल को जानते नहीं। सर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिस्त्री इस फोटोग्राफ से एक बात तो तय हो गई है कि निखिल का कत्ल डॉक्टर अश्विनी और डॉक्टर लता के सामने हुआ है। वजह जो भी हो। वजह क्या हो सकती है सर? पुरानी रंजिश। मिस्त्री। सर। मुझे निखिल की हत्या की गांठ धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है। सर निखिल की सुपारी देने वाला कौन हो सकता है? यही तो गांठ है मिस्त्री, यही तो गांठ है जिसे मुझे खोलना है किसी भी तरह। सर यह है डॉक्टर कुमार। डॉक्टर कुमार? यस सर, डॉक्टर कुमार। ये सिविल अस्पताल में है और ज्यादातर ये पोस्टमार्टम करता है सर। वेरी गुड मिस्त्री, तुम्हें पता अब क्या होगा? ये डॉक्टर कुमार जिस तरह लाश को पोस्टमार्टम करते हैं, उसी तरह हमारे इस केस का भी पोस्टमार्टम डॉक्टर कुमार करेंगे, डॉक्टर कुमार करेंगे, डॉक्टर कुमार करेंगे। क्या आप अब भी कहना चाहते हैं कि आप निखिल को नहीं जानती? इंस्पेक्टर साहब ये फोटोग्राफ, हाँ निखिल मेरा बैचमेट था, लेकिन इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। लता जी इस फोटो में एक और शख्स भी है। जी हाँ एक और शख्स भी है जिसका नाम है डॉक्टर कुमार, जिसे मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आजकल इसी शहर के एक सिविल अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अभी मैं उनसे मिलकर आया हूँ। जानती हूँ उन्होंने क्या कहा, आप और निखिल एक दूसरे के बहुत करीब थे, इनफैक्ट काफ़ी नज़दीकियाँ थी। और अक्सर जहाँ पर नज़दीकियाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर कड़वाहट अपने आप उभर आती है लता जी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? यही कि आप मुझसे झूठ पर झूठ बोलती रही लता जी। अब निखिल को बहुत अच्छी तरह जानती थी। जिस रात निखिल की हत्या हुई उस रात भी आप वहीं मौजूद थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, निखिल की हत्या की जिम्मेदार भी आप हैं लता जी। इंस्पेक्टर विजय, इस तरह बिना सबूत के आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मिस्टर अश्विनी मैं बिना सबूत के कभी ना कुछ बोलता हूं, कभी ना कुछ करता हूं, अपने जहन में डाल दीजिए। अगर ऐसी कुछ बात होती तो मैं पहली मुलाकात में ही आप लोगों को गिरफ्तार कर लेता, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। कैसा सबूत? मैं जानता था आपके कुछ ऐसे ही सवाल उभरेंगे। लता जी ये निखिल की तस्वीर है और इसके पीछे
निखिल के घर का पता लिखा हुआ है। कुछ ही देर पहले आपने अपने फार्म हाउस का पता मुझे इस कागज पर लिख कर दिया। अब देखिए, ये हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों में काफी समानता है। आप भी देख सकते हैं, सबूत आप मांग रहे थे, और ये हैंडराइटिंग इस बात का सबूत है, ये हैंडराइटिंग इस बात का सबूत है कि निखिल की हत्या की सुपारी आपने दी है लता जी। यू आपकी खामोशी मेरे सवालों का जवाब नहीं है। कम ऑन स्पीक अप। इंस्पेक्टर साहब, कॉलेज में निखिल और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। ये बात डॉक्टर कुमार और सारा कॉलेज बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक बार सीनियर डॉक्टर से मार पिटाई के कारण निखिल को कॉलेज से निकाल दिया गया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं था। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे फोन किया और अपने घर आने को कहा। आओ लता, मुझे यहां देखकर हैरान हो कि अचानक मैं कहां चला गया था और वापस यहां कैसे आ गया। कहां चले गए थे तुम? कॉलेज से निकाले जाने के बाद पैसा कमाने के लिए दुबई चला गया था, पर बात बनी नहीं। वापस मुंबई आया तो पता चला कि तुमने और अश्वनी ने शादी कर ली और तुम्हारा यहां सबसे बड़ा नर्सिंग होम है। तो क्या करती? तुम्हारा इंतजार करती? तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं था। खैर छोड़ो इन सब बातों को और बताओ क्या चल रहा है, आगे क्या करने का इरादा है? तुम्हारी तरह सबसे बड़ा नर्सिंग होम खोलने का इरादा है, लेकिन उसके लिए कम से कम 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो है, तुम दे सकती हो मुझे ये रकम। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम कहां से दूंगी और क्यों? क्योंकि तुम्हारा इस शहर में बहुत नाम है, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम्हारी इज्जत को देख के मैंने 1.5 करोड़ रुपए मांगे। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। अच्छा, मुझे पता था। कुछ याद आया? ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त तुम मेडिकल कोर्स कर रही थी। तुम्हारी गलत ट्रीटमेंट की वजह से 2 मरीजों की जान चली गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। अगर बोर्ड को मैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाशों की तस्वीरें दिखाता तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाता, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया। लेकिन आज भी वो तस्वीरें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन इससे मुझे बहुत अच्छी रकम मिलेगी। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी मैं इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा सकती हूँ? धीरे धीरे दे दो। जिस दिन रकम पूरी, ये फिल्म तुम्हारी। मुझे यकीन था कि तुमसे मुझे अच्छी रकम मिल सकती है, इसलिए मैं पुलिस में भी नहीं गया। मैं निखिल को पैसे इसलिए देती रही ताकि वो कुछ दिनों तक खामोश रहे। एक बार क्रॉस कनेक्शन पर मैंने कल्लन को एक शूटर से बात करते हुए सुना।
मैंने उसका मोबाइल नंबर नोट कर लिया। मैंने उस शूटर को फोन किया और उससे निखिल के छुटकारे की बात कही। वो मेरी बात मान गए। उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। मैंने रुपयों का इंतजाम किया और उसकी बताई हुई जगह पर 5 लाख रुपए और निखिल का फोटोग्राफ रख दिया। लेकिन मैंने साथ ही एक शर्त रखी, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने उससे कहा कि निखिल का खून करते वक्त जो भी चश्मदीद गवाह हो उसे भी खत्म कर दिया जाए। मुझे क्या पता था कि निखिल के खून की मैं ही चश्मदीद गवाह बन जाऊंगी। जब मैंने निखिल का खून होते हुए देखा तो मैं फौरन उसके फ्लैट पर गई और वहां पर मैंने सारे सबूत मिटा दिए। जिस तरह आदमी एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, उसी तरह एक जुर्म को छिपाने के लिए 100 जुर्म भी करता है। अफसोस इस बात का है लता जी कि आप एक काबिल डॉक्टर होते हुए भी आपने अपने पेशे के साथ बेईमानी की। आपको निखिल की हत्या की साजिश में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट।